बिहार से पूरे बिहार के लोग जिला जिला और देहात से लोग भी आए हुए हैं यहाँ। इसलिए उनका है आप उसी में देखेंगे कहाँ का कौन आए। तो इस अवसर पर सबसे पहले ख्याल है और हम लोग जानते हैं लेकिन भाई जी से ज्यादा सबके भाई हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जवान बच्चा सबके हम इनका भाई वीरेंद्र बाबू का स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। फिर जो इस कार्यक्रम के अगुआ हैं और इस कार्यक्रम में लगे हुए तन मन थे, उनको पता ही नहीं कि कब खाना खाते हैं कब नाश्ता करते हैं। माननीय विधायक का हम हार्दिक आज वैसे व्यक्ति का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज निन्यानवा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शेरे बिहार, बिहार का पहला ये शेरे बिहार का तगमा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन उन कहानियों में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत लंबी कहानी है जिसे हमारे दादाजी और स्वर्गीय राम लखन बाबू बताया करते थे। ये तगमा उन दिनों की है जब आदरणीय स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में बैठा करते थे और उन दिनों हमारे घर से ही शेर बिहार का नारा दिया गया। मेरे दादाजी शेर बिहार का नारा दिए थे, तब से पूरे बिहार इस देश की जनता शेर बिहार के नाम से राम लखन सिंह यादव को जानता। ये कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन इस परिवार को सब मालूम है। और भी कहानियां बहुत है और राम लखन बाबू जो किए इस धरती पर उसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस कर्मा को आगे बढ़ाने का काम किया। गरीब गुरुओं की लड़ाई, पिछड़ों और पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई आदरणीय राम लखन बाबू काफी लड़ाई लड़ने का काम किया उन्होंने और उस लड़ाई को हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और वैसा वैसा काम आदरणीय स्वर्गीय राम लखन बाबू ने किया है। आज शिक्षण संस्थान में जो उन्होंने काम किया है बिहार यही देश का कोई भी नेता अभी तक नहीं कर पाया, चाहे वो स्कूल का मामला हो, महाविद्यालय का मामला हो, शिक्षण संस्थाओं में अपने लोगों को जगह देकर आज जितने फेरिस्ट थे प्रोफेसर का और जो उसमें काम करने वाले। जब आरा में नॉमिनेशन होने गया तो और जब भाषण की बारी आई कि मनेर से कौन बोलेगा, रास्ते पर हम लोग चलने का काम करें, समाज का काम करें, दलित महादलित पिछड़ा अध्यक्षता करें। हम लोग के बड़े भाई सागर कुमार योदेव जी इसे सरकार के प्रधानमंत्री चुनाव मार्च को पूर्व सांसद प्रकाश जी अजयवर्धन जी राम लखन बाबू को जयंती मनाने काम करते हैं और यह जयंती प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राम लखन बाबू से मेरा भी काफी जुड़ाव, जब प्रकाश चंद जी मनेर से उपचुनाव लड़ने गए थे और कांग्रेस से
उस दिन हम जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे सत्येंद्र बाबू के साथ। उस समय जब गए थे तो गठबंधन हो गया था, चाहे कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अभिभावक नहीं थे बल्कि समाज के सबसे पीछे गरीब पिछड़ा सब लोगों के लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहते थे उनके विकास के लिए। उनकी जो सोच थी कि जब तक इनके अंदर शिक्षा की ज्योत न जले तब तक राज और समाज का विकास नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया या पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग उस विद्यालय में शिक्षालय में जा कर सके शिक्षा जनता में जा रहे हैं, लाखों लोगों के अभिभावक रहे हैं, लाखों लोगों के शिक्षक रहे हैं, लाखों लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं, लाखों लोगों के मार्ग बताने वाले और जीवन उद्धार करता रहे हैं। राम लखन बाबू एक व्यक्ति का नाम नहीं है, राम लखन बाबू एक विचारधारा का नाम है, राम लखन बाबू एक सोच का नाम है, राम लखन बाबू एक दिशा और दशा का नाम है, और जिसने बिहार में अपना जो योगदान दिया है आने वाली पीढ़ियां जितना जागरूक होती चली जाएगी राम लखन बाबू के दिलों में जगह है उतना ही बढ़ता चला जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, केवल जागरूक की जरूरत है। साथियों यही पटना जिला के पुराना पालीगंज और बुढ़ी बाजार के हरियामपुर ग्राम में आज ही के दिन एक ऐसे लाल का पदार्पण हुआ था जिस लाल ने बिहार के अंदर सैकड़ों कॉलेज शिक्षण संस्थान इस राज्य में स्थापित करने का काम किया था। मैं एक बार कभी निशाबाद के कॉलेज में, कभी पालीगंज के कॉलेज में मैं एक ड्यूटी के दौरान गया था। वहाँ जब हमने देखा इतना विशाल जमीन और ये चीजें और भवन देखे तो हमको ये लगा कि यहाँ पे भाई भाई में आज के जमाने में सहा का भाषण होगा, और जब लोग देखते थे तो कहते थे कि काम श्री राम जन इतना त्याग कर सकता है तो हम उनके साथ चल देते हैं, और पूरा सोशी समाज उनके साथ चल दिया था। इसी तरह से बाबू राम लखन सिंह यादव के त्याग और बलिदान को देख करके उस जमाने के लोग और उस समय के लोग उनके पीछे चल देते थे और कुछ भी लुटाने को वो तैयार हो जाते थे। यह उनके त्याग का ही गेम था, कोई दूसरा चीज था ही नहीं, कोई व्यक्तित्व का नहीं, ये दबंगई का नहीं था, आज के जैसा कोई ये नहीं है कि हाँ हम जो चाहते हैं उसका था, ये नहीं था, उनके व्यक्तित्व का था, उनके सोच का था। साथियों लखन सिंह यादव अमर रहे, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जय बिहार राम लखन सिंह यादव अमर रहे, जय बिहार राम लखन सिंह यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलामियों की जंजीर में जकड़ा हुआ था, एक एक चप्पा गुलामी के जंजीर में जकड़ा था, ये 14 वर्ष जब इनका उम्र हुआ तो ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े 1934 में, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानी राजकाज में भाग लेने वाले और आज के राजकाज में भाग लेने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। वो चाहते थे कि हमें देश के लिए कुर्बान कर देना है, हमें सर्वस्व नौछावर कर देना है, क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे अंग्रेज उनको मार डालते थे, उनके परिवार को तबाह करते थे, यहाँ तक कि गांव में गोलियां चला करके गांव को भी बर्बाद। पटना जिला के राष्ट्रीय जनता दल राजेंद्र यादव जी, कुमार शंकर सिंह जी, विजय सिंह मुखिया जी, अशोक यादव जी बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि माननीय राम लखन बाबू स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ सामाजिक क्रांति के एक बड़े अग्रदूत थे। उन्होंने समाज के वंचित लोगों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया, और जब अवसर मिला तो उन्होंने अपने अवसर को भरपूर समाज में योगदान दिया।
जो हमारा जिला है 1991 में जब हमारे राष्ट्रीय चुनाव लड़े तो विकास हम लोग को पहले नहीं दिख रहा है। हमारे यहाँ विधान भवन की 52 से लेके 80 को 77 को छोड़ दिया जाए, 80 को छोड़ दिया। इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, हम लोग बचपन से रामकृष्ण बाबू को जानते हैं, बहुत नजदीक से उनको देखा है। एक जमाना था लालू यादव के इमरजेंस के पहले जब पिछली जातियों के सबसे मजबूत नेता के रूप में रामकृष्ण बाबू की प्रतिष्ठा थी और खास करके यादव समाज को एकजुट करने में उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है। और बड़ा ऐसे लगता है कि रामकृष्ण बाबू थोड़ा सख्त मिजाज के आदमी होंगे, लेकिन हमको याद है यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पर जब आज की जो मूर्ति लगी है उस मूर्ति के बाद जो है लालू जी के यहाँ एक बार रामकृष्ण बाबू आए थे तो लगे किस्सा सुना के बी साहब के बहुत ही नज़दीक थे और वो जो जगह है इनकम टैक्स चौराहा उसमें उन्होंने के बी साहब की मूर्ति लगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से प्रस्ताव पास कराया और वो चाहते थे कि मैंने वहाँ के बी साहब की मूर्ति लगे। तो हमने उनसे पूछा कि जब हम लोग लगा रहे थे जयप्रकाश जी की मूर्ति तो आपने मना क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया। थोड़ा मार्के की बात उन्होंने कही जिससे हंसते हंसते हम लोगों का पेट फूल गया। उन्होंने कहा कि जब हमको पता लगा कि पगड़ी बांधे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए जयप्रकाश जी की मूर्ति आप लोग लगा रहे हैं तो हमको लगा कि किसी 25-50 बरस के बाद लोग कहेगा कि कोई जानवर का मूर्ति है, लाठी और पगड़ी जो है लाला के हाथ में कहाँ था है। हंसते हंसते हम लोग जो है पेट खुल गया। बहुत ही जोरदार आदमी थे जिसमें कहीं से अरे कोई संदेह नहीं और एक जमाने में उनकी चुटी बोलती थी। तो आज उनके यहाँ एक ढंग से कहिए सामाजिक न्याय के एक शुरुआती दौर के यही सबसे बड़े नेता थे। तो आज उनके स्मृति को प्रणाम करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि। राम लखन जी का जन्मोत्सव के तौर पे आप लोगों ने मुझे याद किया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और राम लखन जी बड़े एक समाजवादी नेता रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया, सभी को साथ लेकर के चलने का काम किया और हमारे पिता से काफ़ी बेहद अच्छा रिश्ता रहा है उनका। और उम्र में तो हम काफ़ी छोटे हैं, शायद बचपन में देखे हो ना देखे हो इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हमेशा माता पिता के मुँह से उनके बारे में हमेशा अच्छाई सुनने का काम किए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति करने का काम किया हम सब लोग नौजवान लोगों को उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से वो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे, मेरा मानना है उनके परिवार के लोग भी बेबी जी या जो उनके जयवर्धन जी जो बेटे हैं जो विधायक हैं अपने दल से वो भी काफ़ी सब लोगों को साथ लेकर के और एक डाउन टू अर्थ जो उनका नेचर है जो सब लोगों को लेकर के चलता है ज़मीनी स्तर पर, मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक अच्छी सोच है जिसको लेकर के हम सब नौजवानों को इससे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा कुछ हम कहें, जिस प्रकार से संविधान पे खतरा है हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को और राम लखन जी के जो सपना था उसको मिलकर के पूरा करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और एक बार राम लखन बाबू अमर रहे ये एक नारा लगा करके हम अपने वचन को यही समाप्त करेंगे। राम लखन बाबू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गरीबों के नेता तो जिंदाबाद जिंदाबाद।
चढ़ाए आपके चाची भावन जी। फिर हमारे बहुत गाढ़े संबंध थे और विद्यार्थी जीवन से ही मैं उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा। एक भावनात्मक लगाव रहा है, उनका आशीर्वाद मुझे बचपन से ही छात्र जीवन से मिलता रहा है और मैं आज कैसे अहम भूमिका रही है और बिहार को एक नई सूझ, एक नई विकास, एक नया जान स्टूडेंट फाइटर में आंदोलन से लेके आंदोलन के बाद तक जब तक बोल रहे समाज के लिए सोचा, बिहार के लिए सोचा और सचमुच में राम लखन बाबू को बिहार नहीं भूल सकता है और बिहार की जनता भूल नहीं सकती। उनका नाम हमेशा अमर रहा है और आगे भी अमर रहेगा। हम इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, आगे भी मिले, इसी कामना के साथ हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं आयोजकों का जो ने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। संस्कृतना परिषद के माध्यम से ये आयोजन होता रहा है, आज भी हो रहा है, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हुए और इनके प्रणों इनके चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। से मेरे पिताजी के संबंध रहे और मुझे याद है 60-65 के वर्षों में पिताजी समाजवादी रहे, जिन्होंने राज्य की आजीवन सेवा की। ये आजादी की लड़ाई के दरमियान भी इनकी भूमिका रही और आजादी के बाद भी जिस तरह से गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों को इन्होंने उठाने का काम, सम्मानित करने का काम किया, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। आज जो लोग भी कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जिसकी शुरुआत राम लखन बाबू जैसे लोगों ने अपनी जवानी में किया था। जो काम छोड़ कर गए हैं आज लोग काम कम कर रहे हैं और बयान ज्यादा दे रहे हैं। मित्रों, राम लखन बाबू के साथ मुझको भी फिर साथ में भी काम करने का मौका मिला। हम लोग जनता दल यू में थे, जनता दल में थे और एक आदमी इन्होंने लोगों को शिक्षित करने के लिए कम खर्च में बच्चे कैसे पढ़ें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए। पूरे बिहार में अनेकों स्कूल और कॉलेज की स्थापना करवाए जिससे बच्चे पढ़ करके आज बड़े बड़े नौकरियों में और बड़े बड़े पदों पर सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। पालीगंज की जहाँ तक बात है तो आज पालीगंज की पहचान भी उनके नाम से जाना जाता था। पालीगंज शेर बिहार राम लखन बाबू का क्षेत्र है।